मैंने सुना था यूट्यूब से आप पैसे कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन पिंटरेस्ट से? जब मैंने इसके बारे में सुना आई वॉज लाइक कैसे कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करी है एंड फाइनली मैंने एक वीडियो बनाया जिससे आप जान सकते हैं एंड बाकी सारे लोग इजीली जान सकते हैं किस तरीके से वो पिंटरेस्ट से मनी अर्न कर सकते हैं। इस चीज़ को करने के लिए आपको डेली 10 से 15 मिनट का टाइमिंग चाहिए होगा। डेली कंसिस्टेंटली आपको पोस्ट करना है एंड किस तरीके से आप कर सकते हैं ये सारा चीज़ इस वीडियो में आपको मिलेगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल कंप्लीट एंड। तो पिंटरेस्ट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे हम विजुअल डिस्कवरी इंजन भी बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि पिंटरेस्ट पे बहुत सारे इमेजेस अपलोड रहते हैं, इमेजिनेशन इमेजेस अपलोड रहते हैं, विजन बोर्ड अपलोड रहते हैं, जिसको हम लोग देख के इंस्पायर होते हैं एंड उसी तरीके का हम लोग अपना ही कुछ डिज़ाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल होम डेकोर आइडियाज। तो इस टाइप को अगर आप सर्च करेंगे ना पिंटरेस्ट पे आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाएगा एंड वो सारे इमेजेस को देख के, उस तरह के विजुअल्स को देख के लोग अपने ही रूम को सेट का डेकोर करने की कोशिश करते हैं। साथ कोई हेयर स्टाइल हो गया, पिक्चर्स हो गया, फोटोग्राफी स्टाइल हो गया, बहुत कुछ रहता है पिंटरेस्ट में। एंड हाँ, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है इनकम जनरेट करने का। भाई मुझे तो नहीं पता था बहुत टाइम तक, लेकिन जब मुझे पता चला लेट मी शेयर दिस विद यू। देखो मैंने एक और चीज़ सीखी है कि पिंटरेस्ट यूज़ करते करते ना आप बहुत सारा यूट्यूब के थंबनेल आइडियाज़ एस्थेटिक वाले आपको यहाँ मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप। एंड ये चीज़ भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो सबसे पहला और बहुत ऑब्वियस स्टेप है वो है कि आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा पिंटरेस्ट पे। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। क्या करना है, अगर आपने साइन अप नहीं किया तो आपको कोई भी गूगल अकाउंट से साइन अप करना है, आपको अपना नाम मेंशन करना है एंड आपको प्रोफाइल का डिटेल्स है उसको फिल करना है। इतना करने के बाद आपका स्टेप वन होता है कंप्लीट। स्टेप नंबर टू है कि आपको अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज यानी कि आपको अपना प्रोफाइल फोटो एक अच्छा डालना है, बायो अच्छा लिखना है एंड थर्ड है कि आपको अपना लिंक वेबसाइट का या फिर लैंडिंग पेज का मेंशन करना होगा। अगर आप डायरेक्टली सारा का सारा पैसा या फिर कोई भी जैसे प्रोडक्ट सेल होता है उसके बाद सारा का सारा पैसा अगर आप चाहते हो आपके अकाउंट में, तो आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, एक और तरीका है एंड वो भी तरीका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है एंड मैं उस तरीके को रिवील करूँगी लास्ट में। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक नीश सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि अगर आप कभी मोटिवेशनल वीडियो डाल रहे हैं तो कभी आप कुकिंग वीडियोस डाल रहे हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टाइप का जो है वीडियोस या फिर फोटोज को आप अपलोड करेंगे पिंटरेस्ट पे। डिसाइड कर सकते हैं जिस टाइप का भी नीश आपको पसंद है, फैशन का भी नीश डाल सकते हैं या फिर बहुत तरीके हैं। आप जो भी नीश सिलेक्ट करेंगे आपको उसको अच्छे तरीके से वीडियोस एंड फोटोज बार बार अपलोड करना पड़ेगा एवरी सिंगल डे। तो ये चीज़ सोच समझ के ही कीजिएगा ताकि आप वो सेम कॉन्टेंट एवरी डे प्रोवाइड। फोर्थ स्टेप है हाई क्वालिटी पिंस क्रिएट करना पड़ेगा। हाई क्वालिटी पिंस मतलब लगेगा व्हाट इज पिन। देखो भाई इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करते तो इंस्टाग्राम के लिए एक वर्ड है रील्स, तो वहीं पे पिंटरेस्ट में हमारा आता है पिंस। पिंस मतलब पिक्चर्स या फिर जो भी आप छोटे छोटे क्लिप्स ऐड कर रहे हो। आपको करना है हाई क्वालिटी पिंस को अपलोड। कैसे बना सकते हैं आप, कैनवा या अडोबी स्पार्क से कोई भी इंसान बना सकता है। हाई क्वालिटी होना चाहिए एंड अपीलिंग होना चाहिए, आंखों को अच्छा लगना चाहिए। ये दो चीज़ दिमाग में रखना, क्योंकि जो अच्छी चीज़ दिखती है वही चीज़ लोग पसंद करते हैं। सो अब हम मूव करते हैं फिफ्थ स्टेप। एंड फिफ्थ स्टेप है कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा एंड बिल्ड करना पड़ेगा बोर्ड्स। बोर्ड्स क्या होता है, बोर्ड्स होता है कि जैसे कि हम बहुत सारे पिक्चर्स वीडियोस जो हम लोग छोटे छोटे डालते हैं पिंटरेस्ट पे, तो कलेक्टिवली हम उसको बोर्ड्स बोलते हैं। बोर्ड्स आप अपने नीश के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कीवर्ड मेंशन करना पड़ेगा जो कि आपके नीश के रिलेटेड होगा एंड उसी टाइप से आप बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड आपको अपना बोर्ड स्ट्रैटेजिकली ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि आपका टाइटल में एंड डिस्क्रिप्शन में वैसे रेलेवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए जिस नीश को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड अब हम आते हैं स्टेप नंबर 6 जो कि अफिलिएट मार्केटिंग है। आपको याद है तो मैंने स्टेप 2 या फिर स्टेप 3 में बताया होगा कि आपको एक लैंडिंग पेज या फिर वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप पिंटरेस्ट से अर्न करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप अफिलिएट मार्केटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग ये है कि अगर आपके पास कोई भी जैसे दूसरे पर्सन है, दूसरा पर्सन का वेबसाइट है एंड अगर आप उसके प्रोडक्ट सेल करते तो आपको कुछ कमीशन मिलता है एंड मे बी 10% हो गया, 5% हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट आपको कमीशन मिलता है। तो कोई भी ऐसा वेबसाइट नहीं है ना ही आपके पास कोई प्रोडक्ट है सेल करने के लिए, तो आप अफिलिएट मार्केटिंग का इस्तेमाल करके भी पैसे अर्न कर सकते हैं। आते हैं स्टेप नंबर 7 जो कि कोलैबोरेशन एंड स्पॉन्सर से भी आप अर्न कर सकते हैं। ये सेम चीज है जैसे हम इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे करते हैं। जैसा कि हम इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे ब्रांड्स को रीच करते हैं डीएम्स के द्वारा या फिर ईमेल्स के द्वारा, वैसे ही हम लोग को यहाँ पे पिंटरेस्ट में भी वैसे ही रीच आउट करना है उन सारे ब्रांड्स को एंड उन्हें बोलना कि मैं पिंटरेस्ट पे अपलोड करता हूँ या अपलोड करती हूँ पिंस को, आपका रिलेवेंट कंटेंट होगा उस हिसाब से जो उनका प्रोडक्ट है, तो वो एक बार देखेंगे आपका प्रोफाइल एंड यस
अगर आपका प्रोफाइल अच्छा लगा तो वो आपको स्पॉन्सर्स भी करने के लिए बोलेंगे कर सकते। तो ये मेथड से भी आप पिंटरेस्ट से अर्न कर सकते हैं। एक चीज़ है जो आपके पिंटरेस्ट को बूस्ट करेगा वो है कि आपको हमेशा ज़्यादातर हमेशा नहीं पर ज़्यादा टाइम आपको एक्टिव रहना पड़ेगा पिंटरेस्ट के ऊपर। पिंटरेस्ट पे आपको रीपिनिंग करनी होगी, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड अगर आप ज़्यादातर एक्टिव रहेंगे तो पिंस है वो ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वन वे जिससे आप अपने पिंटरेस्ट का अकाउंट ज़्यादा लोग तक पहुँचा सकते हैं। वो ये है कि आपका जो पिन है वो अपीलिंग होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। तो आपको फैमिलियर होना पड़ेगा पिंटरेस्ट के जो गाइडलाइंस है, पॉलिसीज है, उसके बारे में आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे पता रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से यू कैन मेक मनी फ्रॉम पिंटरेस्ट। दो चीज़ें हैं, पहला अफिलिएट मार्केटिंग है एंड सेकंड है कि आप स्पॉन्सर्स कर सकते हैं। इसमें है, इसमें फ़ायदा ये है कि जब हम पिंटरेस्ट का यूज़ करते हैं तो हमको अपना फेस रिवील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको बस फोटोज़ उस टाइप के प्रोडक्ट्स के बारे में को शेयर करना है, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।